नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। उत्तर प्रदेश के बड़े सियासी परिवारों में शुमार मुलायम सिंह यादव परिवार इस बार इटावा के सैफई में एक साथ होली मना रहा है। इस बार की होली पिछले कुछ सालों की होली से अलग है, क्योंकि इस बार होली के त्योहार के मौके पर परिवार के सभी लोग यहां पर मौजूद हैं। मुलायम सिंह यादव के साथ अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव एक साथ मंच पर नजर आए। इसके साथ ही सपा कार्यकर्ताओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। देख सकते हैं आप होली के मौके पर किस तरह से पूरा परिवार यहाँ पर साथ यहाँ पर नजर आया है। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, उनके साथ देख सकते हैं आप किस तरह से आज होली मिलन समारोह में सैफई परिवार एक साथ एक ही मंच पर नजर आया। पूरे देश में होली की धूम है, लगातार हर जगह की अनेकों तस्वीर देखने को मिल रही है। इटावा के सैफई में भी अखिलेश यादव होली खेल रहे हैं। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। इस तस्वीर में अखिलेश यादव के साथ साथ शिवपाल यादव हैं, प्रोफेसर रामगोपाल के साथ समाजवादी पार्टी के सभी नेता हैं। और एक तस्वीर एक और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पीछे जिस तरह से कार्यकर्ताओं में भी जुनून है, जोश है, होली में अपने नेता के साथ होली खेलने को लेकर लोग अपने गाँव से अपने शहरों से निकल कर अखिलेश यादव के साथ ये होली खेलने आए हैं। जिस तरह से हर बार की तरह ये होली हमेशा सैफई में मुलायम सिंह यादव के आवास पर होती थी, पहली बार यहाँ पर पंडाल में रखी गई है। और ये जो पंडाल है, यहाँ पर सैफई महोत्सव हुआ करते थे और आज होली का आनंद किया जा रहा है। जिस तरह से आप देख सकते हैं फूल रखे गए हैं, ये फूलों के साथ होली होनी है। गुलाब के फूल लाए गए हैं और गेंदे के फूल लाए गए हैं, तो गेंदे के साथ फूलों की होली अखिलेश यादव खेलेंगे। क्योंकि एक सीट अभी खाली है प्रोफेसर रामगोपाल यादव की। अखिलेश यादव देख सकते हैं आप हाथ जोड़े खड़े हैं, अपने कार्यकर्ताओं को एक तरह से अभिवादन भी कर रहे हैं और एक मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है कि होली में अब 2024 की तैयारी, जिस रंग के साथ होली हो रही है तो 2024 की तैयारी को लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी में है। कैमरामैन करण कठेरिया के साथ अमित मिश्रा, इंडिया न्यूज़ इटावा। बात आगरा की।